जय हिंद दोस्तों। दोस्तों चीन के बारे में एक पुरानी कहावत तो काफ़ी मशहूर है कि यहाँ टेबल कुर्सी को छोड़कर हर चार पैरों वाली चीज़ खाई जाती है। चाइना में कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि कहीं और नहीं होती। चाइना नकली माल बेचने में भी सबसे आगे है। भारत में चाइना से काफ़ी सामान इम्पोर्ट किया जाता है, लेकिन कई बार इन चीज़ों के नकली होने की वजह से भारत सरकार ने इन पर बैन लगा दिया है। चीन के कई रेस्टोरेंट्स में असली मटन के जगह लोगों को नकली मटन ही परोस दिया जाता है। दोस्तों चाइना के इन चीज़ों को देखते हुए भारत में भी कुछ व्यापारी चंद मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप बाहर से कोई भी खाना खरीदते वक्त सतर्क रहें और जितना हो सके उतना बाहर के खाने को अवॉइड करने की कोशिश करें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको चाइना की उन काली करतूतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे इंस्पायर होकर भारत के व्यापारी भी ये चीज़ें सीख रहे हैं। दोस्तों आपने अपने जीवन में कम एक बार चाउमीन तो खाई ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन में जानवरों को खिलाए जाने वाले सड़े और फफूंद लगे अनाज में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाकर राइस नूडल्स बनाया जाता है। इस तरह से बनाए गए राइस नूडल्स को खाना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। चाइना के लोग सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े और अजीबोगरीब तरह के मांस खाना पसंद करते हैं और इन सब का फ़ायदा उठाकर चाइना के व्यापारी चूहे उदबिलाव और लोमड़ी के मांस को मटन बताकर बेच देते हैं और लोग चूहे का मांस पहचान न पाएँ इसलिए उनके मांस में जेलेटिन नाइट्रिक और लाल रंग मिलाकर बेच दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, चाइना में बेची जाने वाली आधी से अधिक शराब भी नकली ही होती है। लोगों को असली और नकली मटन में पहचान कराने के लिए चाइना के पुलिस ने वहां के सोशल नेटवर्किंग साइट्स में कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स भी जारी किए हैं। चाइना में हर साल जून में डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे चाइना में हर साल 1 से 2 करोड़ डॉग्स मार दिए जाते हैं और अकेले इस डॉग मीट फेस्टिवल में 10,000 से भी अधिक कुत्तों को मार दिया जाता है। चाइना में शहद भी नकली ही बनाकर बेची जाती है और ये 1 किलो नकली शहद मात्र 100 रुपये में तैयार हो जाती है। फिर बाद में इनकी ब्रांडिंग करके इस नकली शहद को 500 से 600 रुपये प्रति किलो के रेट पर बेचा जाता है। दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने चाइना के प्लास्टिक चावल के बारे में ज़रूर सुना होगा जो कि भारत में भी पाए गए थे। नकली चीज़ें बनाने में चीन इतना आगे निकल चुका है कि उसने चावल भी नकली बना लिए हैं। चाइना में इन चावलों को प्लास्टिक राइस भी कहा जाता है और ये चावल शकरकंद और आलू के साथ कुछ सिंथेटिक चीज़ें मिलाकर बनाई जाती हैं। ये ऐसे चावल हैं जो कि पकने के बाद भी मुलायम नहीं होते। अब जाहिर है कि भला प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ भी कहीं पकती है। चीन में ये चावल खाने की वजह से काफ़ी लोग बीमार पड़ चुके हैं, लेकिन चाइना सरकार की लापरवाही की वजह से ये चावल आज भी चीन में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। एक बाइमल प्लास्टिक बैग को बनाने में 3 कटोरी प्लास्टिक लगती है, तो इसका मतलब ये कि अगर आपने 3 कटोरी नकली राइस खा लिए तो इसका मतलब कि आप 1 बाइमल प्लास्टिक का बैग खा चुके हैं। अब आप खुद ही ये सोच सकते हैं कि ये चावल खाना कितना खतरनाक है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि चीन में हर साल 10 मिलियन टन चावल बेचा जाता है जिसमें से लगभग 5 मिलियन टन चावल नकली होता है। चीन में एक और बहुत ही दिलचस्प प्रथा प्रचलित है। यहाँ वर्जिन लड़कों की यूरिन में अंडे उबालकर खाए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से कमर कंधों घुटनों और ज्वाइंट्स में दर्द नहीं होता और इसी के साथ साथ इंसान दिन भर एनर्जेटिक भी बना रहता है। और इसके अलावा यहाँ कॉकरोच चूहे कुत्ते सांप और मगरमच्छ तक खाया जाता है। तो दोस्तों ये है चाइना के फूड चेन की असली सच्चाई।